बारहवीं कक्षा की परीक्षा को लेकर उधमपुर में नकल रोकने को भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। नकल को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। जिन स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं आज वहां पर बाकी कक्षाओं को छुट्टी दे दी गई। गौरतलब है कि नकल को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। ने जहाँ उधमपुर का जो बोर्ड ऑफिस का इन्होंने जो सेंटर कंस्टिट्यूट किए हैं, जो कोई 23 सेंटर इन्होंने कंस्टिट्यूट किए हैं जहाँ उधमपुर के नियर वाइज में, और ऑलमोस्ट कोई 3000 बच्चा जहाँ अपीयर हो रहा होगा 12th का। हमारे पास इस हाई सेकेंडरी में 5 सेंटर बने हुए हैं, जिनमें 5 सेंटरों में से 2 सेंटरों में आज का पेपर है। लेकिन आज तो कम ही बच्चे जो हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर था तो इस सेंटर में आज कोई 20 ही बच्चे अपीयर हो रहे हैं। 19 एक में है, एक बच्चा एक सेंटर में है। तो इसी पर आपने यहाँ देखा होगा काफ़ी अच्छे माहौल में ये एग्जाम जो है वो हो रहा है। हमारे हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने सीईओ साहब से जहाँ बाकी जो भी कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ एक ऑर्डर पास किया है कि जिस दिन पेपर होगा 10th और 12th का उस दिन स्कूल भी बंद रहेंगे, सिर्फ जो एग्जामिनेशन ड्यूटीज पे स्टाफ है वही आएगा। तो आपने देखा कि वही लोग जो हैं जो पेपर में एंगेज हैं वही जहां पे काम अपना कर रहे हैं और बहुत स्मूथली जो है ये पेपर चल रहा है। उम्मीद है कि बाकी सारे पेपर भी बहुत स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट किए जाएंगे। थैंक यू जी। उधमपुर से राकेश बड़ियाल, ऑल इंडिया न्यूज़।